हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के 15 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है हमारे चारों ओर वायु। इसमें बताया गया है हवा के बारे में कि हवा हमारे लिए कितनी आवश्यक है और हमें किस प्रकार से वो मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वायु हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन पेड़ों की पत्तियों का जब खड़खड़ाना और कपड़ों के सूखने पर वो जब हिलने लगते हैं और पंखे के चलने पर पुस्तकें जब इधर उधर होने लगती हैं, तो अब हमें पता चलता है कि हवा चल रही है, ठीक है। और कभी कभी जब तूफान आता है तो उसमें हवा जो होती है बहुत तेज़ होती है, तो कभी कभी वो पेड़ों को भी उखाड़ देती है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ फिरकियाँ बताई गई हैं कुछ खिलौनों के बारे में कि हवा के साथ वो किस तरह से मूव करते हैं, ठीक है। इसी तरह एक वात सूचक यंत्र है, ये जब हवा चलती है तो बहुत तेज़ घूमता है और उसी दिशा में रुक जाता है जिस दिशा से हवा चल रही थी, ठीक है। ये वात सूचक होता है। क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है, हमें ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्रियाकलाप कराई गई है कि एक खाली बोतल लिया गया है, ठीक है। उसको क्या किया गया है कि पानी में, एक बीकर है पानी का, उसमें सीधे डाला गया तो उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे उसको थोड़ा सा टेढ़ा किया गया तो उसमें से पहले बहुत ढेर सारे बुलबुले निकलने लगे, उसके बाद उसमें पानी भरने लगा। तो इसका मतलब कि उस खाली बोतल में भी कुछ था जो कि हवा थी, जो कि हवा की होने की वजह से उसमें पानी अंदर नहीं भर रहा था, लेकिन जैसे उसे टेढ़ा किया गया उसमें से हवा निकल गई और उसमें पानी भर गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमें पता चला कि किसी भी खाली चीज़ में हवा ज़रूर होती है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है और इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है और इसे वायुमंडल कहते हैं, ठीक। उसके बाद हम कि जैसे कि हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु बहुत ही विरल होती जाती है, ठीक। तो जो पर्वतारोही होते हैं वो ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं, तो हम इसी के लिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले वायु किससे बनी होती हैं, तो 18वीं शताब्दी में लोग सोचते थे कि वायु केवल एक पदार्थ है, लेकिन बाद में इसमें बताया गया कि कई प्रयोगों से सिद्ध हुआ कि नहीं, वायु कई गैसों का मिश्रण है। सबसे पहले जलवाष्प। जलवाष्प में हम क्या देखते हैं कि वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है और जब वायु किसी ठंडी पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है और जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। जैसा कि हमने पिछले अभी अध्याय में किया था, उसमें बर्फ़ एक गिलास में ली थी तो उसमें बाहर जो उसकी बूंदें इकट्ठा हो गई थी, तो वही है कि जलवाष्प का ठंडा होकर संघनित हो जाना। तो प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ दिखाई गई है, सबसे पहले कि किस गैस का उसमें मिश्रण है, तो सबसे पहले यहाँ ऑक्सीजन के बारे में बताया गया है कि दो कैंडल्स लिए गए, दोनों कैंडल को जलाया गया है, एक कैंडल को ऐसे ही खुले रह दिया गया और एक कैंडल को क्या किया गया है कि उसको ग्लास से ढक दिया गया, ठीक है। अब ग्लास जो है वो कांच की है, तो उससे अब देखना है कि उसमें कैंडल जलती है या बुझ जाती है, लेकिन क्या देखते हैं कि मोमबत्ती जो होती है वह जलने के कुछ देर बाद ही समाप्त हो जाती है, जबकि दूसरी जो होती है जिसमें ग्लास नहीं लगा था वो जल रही थी। इसका मतलब उसको लगातार वायु मिल रही थी और जिसमें ग्लास से ढक दिया गया था उसमें कुछ देर बाद वायु समाप्त हो गई थी, इसलिए वो जलना बंद हो गई। तो वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है वह ऑक्सीजन कहलाता है। अब अगला देखते हैं नाइट्रोजन गैस। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी आप देखेंगे कि वायु का कोई एक बड़ा भाग अब भी ग्लास में शेष है, क्योंकि खाली तो है नहीं, कोई ना कोई वायु तो उसमें शेष रह गई है। तो ऑक्सीजन सिर्फ जलने के लिए, तो उसके अलावा जो है सबसे भारी मात्रा में वो है नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन उसको मोमबत्ती को जलने में सहायक नहीं होते हैं। तो वायु का जो सबसे बड़ा भाग है और जो जलने में उपयोगी नहीं है वो है नाइट्रोजन। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोई एक बंद कमरे में कोई पदार्थ जल रहा होता है तो उसमें आप घुटन महसूस होती है, तो उस घुटन का कारण होता है कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी जो कि वस्तु के जलने की वजह से होती है। तो हमारे चारों ओर की वायु जो होती है, एक चारों ओर वायु का एक जो छोटा अवयव है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये जो होती हैं कि सूखी पत्तियाँ ये सब जो होती हैं उनको नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलता है और इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। अगला है धूल तथा धुआं।
कुछ ईंधन और कुछ पदार्थों को जलाने से धुआं उत्पन्न होता है और धुएं में बहुत सारे सूक्ष्म धूल कण होते हैं और जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जैसे कि लंबी चिमनियाँ होती हैं, उनको ऊपर कर बहुत दूर ऊपर कर दिया जाता है तो वो हमसे तो ऊपर हो जाती है लेकिन वो पक्षियों के बिल्कुल पास चली जाती है तो उनको बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। और वायु में धूल के कण हमेशा उपस्थित रहते हैं। यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप करके दिखाया गया है कि एक बंद कमरा बिल्कुल अंधेरे कमरे में अगर आप देखें तो खिड़की से या कहीं से बहुत अगर हल्की सी रोशनी आती है तो उसमें कुछ कण रहते हैं, ठीक, कुछ चमकीले कण दिखाई देते हैं। तो उसमें और ज़्यादातर सर्दियों में क्या होता है कि पेड़ों के पत्तियों से छनकर जो आते सूर्य के प्रकाश किरण पुंज होते हैं उनमें धूल के कण नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक। तो ये बताता है कि वायु में धूल के कण हमेशा उपस्थित रहते हैं और ये समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वायु हमारे अंदर हम अंदर लेते हैं वायु को, लेकिन धूल के कण को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल और श्लेष्मा उपस्थित होते हैं तो वो वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए क्योंकि मुंह से सांस लेने में जो भी हानिकारक जो धूल कण होते हैं गैसें होती हैं वो हमारे अंदर चली जाती हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वायु में कुछ गैसें, जल वाष्प और धूल के कण विद्यमान होते हैं और वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उस और कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी मात्रा हमेशा उपस्थित होती है और भी गैसों का मिश्रण इसमें उपस्थित होता है। वायु और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे दिखाया गया है कि वायु यहाँ पे आपका यहाँ इतने सबसे ज़्यादा यानी 21 और ये जो होते हैं नाइट्रोजन वो 78% होते हैं, ठीक। तो अधिक जबकि वास्तव में ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है करीब 99% भाग बनाते हैं और 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, गैसें और जलवाष्प होती हैं। अगला है पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलता है, ठीक है। तो जैसे पानी में मछलियाँ ये सब रहती हैं तो उनको ऑक्सीजन कैसे मिलता है, तो एक क्रियाकलाप करके दिखाया गया कि एक बर्तन में पानी को उबाला गया तो पानी जब उबलता है तो उसके पहले उसकी तली में कुछ छोटे छोटे बुलबुले जैसे बूंदे जैसे बन जाती हैं। तो ये बूंदे जो बनती हैं वो यही बताती हैं कि ये उसमें घुली हुई वायु के कारण बनती हैं। तो जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसमें जो घुली हुई वायु होती है वो बुलबुले के रूप में बाहर आ जाती है, ठीक है। तो और वो जो पानी को अगर बहुत गर्म करते हैं तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार पानी में रहने वाले जो जीव है उस पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं श्वसन के लिए। अब जो जीव मिट्टी में रहते हैं वो कैसे श्वसन करते हैं, तो मिट्टी को अगर आप कहीं किसी बर्तन में लीजिए उसमें जब पानी डाला जाता है तो उसके अंदर से भी कुछ बुलबुले बनते हैं तो इसका मतलब उस मिट्टी में भी कुछ ऑक्सीजन की मात्रा रहती है जिसका वो उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद और छिद्र बना लेते हैं तो उन छिद्र में वायु को अंदर और बाहर जाने के लिए जगह मिल जाती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो क्या होता है कि इन छिद्रों में पानी भर जाता है और ये जो होते हैं जीव वो जमीन के अंदर रहने वाले वो बाहर आ जाते हैं श्वसन के लिए। तो जैसे केचुआ होता है ये भारी वर्षा में ही ऊपर आता है। तो इस प्रकार पानी में रहने वाले जीव और मिट्टी में रहने वाले जीव श्वसन करते हैं। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होता है। आपको हमने पहले भी बताया था पीछे चैप्टर में कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में, उसमें जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं, वो CO2 और वाटर के साथ मिलकर वो अपना भोजन बनाते हैं यानी ग्लूकोज अपना बनाते हैं वो, उसके बाद उसके साथ ही वो ऑक्सीजन को भी निकालते हैं, ठीक है। उसके तो ये जो ऑक्सीजन वो पौधे जो होते हैं वो भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं लेकिन जो ऑक्सीजन वो बाहर उत्पन्न करते हैं वो उनके यूज़ करने से बहुत अधिक होती है। तो ये जो जंतु होते हैं पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। पौधे और जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद पवन का और भी यूज़ है, जैसे पवन चक्की को चलाने में वायु से जो है पवन चक्की चलती है और पवन चक्की का उपयोग जो होता है ट्यूबवेल से पानी निकालने, आटा चक्की को चलाने और कभी कभी वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट और हवाई जहाज को चलाने में भी सहायता करती है क्योंकि ये विद्युत उत्पन्न करती हैं। पक्षी, चमगादड़ और
कीड़े जो होते हैं वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधे के बीजों और फूलों के परागकण को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है, जिससे निषेचन की क्रिया में सहायता मिलती है। और जलचक्र में भी वायु का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब आप देखते हैं कि प्रमुख शब्द क्या है वायुमंडल। सबसे पहले है वायुमंडल। वायुमंडल वो है जहाँ पे हमें सभी प्रकार की गैसें जल वाष्प मिलते हैं और हमारे लिए वो बहुत उपयोगी होते हैं। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है जो पूरी जो गैसें हैं उसका 1% भाग में ही है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि पौधे अपने भोजन बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अगला है वायु की संरचना। वायु की संरचना जो है उसको कभी देखा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है या फिर पता किया जा सकता है कि जो वायु को पहचानने वाले यंत्र से। उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए जीवनदायी गैस है, जो कि जीवों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपका जो सभी गैस है उसका सबसे बड़ा भाग है और जो कि जलने में सहायक नहीं होता है। धुआं। धुआं किसी पदार्थ को जलाने पर जो धुआं निकलता है। और पवन चक्की, ये वायु द्वारा चलने वाली पवन चक्की है जिससे कि विद्युत उत्पन्न होता है और कई सारे कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है सारांश। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है और हम वायु को देख नहीं सकते परंतु अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं और वायु जो है वो जगह घेरती है, क्योंकि खाली ग्लास में भी वायु था और जब खाली बोतल में हम पानी भर रहे थे तो उसमें पानी नहीं भरा जा रहा था। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है, तभी जल में रहने वाले और मिट्टी में रहने वाले जीव श्वसन करते हैं। वायु जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है और इसमें धूल कण भी होते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक और श्वसन के लिए भी सहायक है। वायु की एक परत जो कि पृथ्वी को पूरी तरह से घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल बहुत ही आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु का प्रयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो हमारा आज का चैप्टर यहीं तक। हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। Thank you. Have a good day.